आप मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल भीलवाड़ा किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। नमस्कार, भीलवाड़ा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको साउथ इंडियन रेसिपी से अप्पम बनाना सिखाएंगे। अप्पम से पहले हम तिल पाउडर बनाएंगे, उसके बाद मूंगफली चटनी बनाएंगे। खाने में स्वादिष्ट होता है और इंस्टेंट तैयार हो जाता है। आप इसे 15 से 20 मिनट में सभी सामग्री के साथ बना सकते हैं। बनाते हैं हम अप्पम। अप्पम बनाने से पहले हम गन पाउडर बनाएंगे। गन पाउडर बनाने के लिए हमें जिन जिन सामग्री की आवश्यकता है वो है 2 टेबल स्पून मूंगफली दाना, 2 टेबल स्पून चना दाल, 1 टेबल स्पून उड़द का मोगर, 1 टेबल स्पून मेथी दाना, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्ची, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 2 टेबल स्पून भुना हुआ चना, 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा, 1 टेबल स्पून इमली और 5-7 खड़ी मिर्ची। ये हमने एक पैन लिया है, पैन को हमने प्रीहीट कर लिया है। प्रीहीट कर हम मूंगफली दाना, चना दाल, मेथी दाना, इन सभी को हम भून लेंगे 2-3 मिनट। भूनने से इसके अंदर की नमी जो है वो निकल जाएगी और ये रोस्ट हो जाएगी। आप इनको ज्यादा ना भूने, ज्यादा भूनने से जल सकते हैं, इसलिए आप इनको उतना ही भूने जितनी आवश्यकता है। 2-3 मिनट में ये लगभग पूरे भून जाते हैं और इनमें से अच्छी खुशबू आने लग जाती है। जैसे ही खुशबू आने लगे आप गैस का फ्लेम बंद कर। ये हमारा सिक चुका है, इसको अब हम एक प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। काली मिर्ची डाल दी है हमने, ये धनिया डाल दिया है, धनिया के साथ हम ये भुना हुआ चना डाल देंगे और इन तीनों को आपस में सेकेंगे, क्योंकि दोनों के सेकने का समय अलग अलग होता है, इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट सेकेंगे। 1 मिनट सेकने से ही है सिक जाएंगे। इनकी सिर्फ हमें नमी निकालनी है, ज्यादा नहीं सेकना है। हमें दोनों को एक साथ नहीं सेकना है, क्योंकि मूंगफली के और चने की दाल के सेकने का समय अलग होता है और इनके सेकने का समय कम होता है, इसलिए अलग अलग दोनों को सेकें, नहीं तो एक जल जाएगा और एक कच्चा ही रह जाएगा। इसके बाद नारियल डाल देंगे, साथ में भी डाल देंगे। हमने ये आज इसमें खड़ी मिर्ची भी डाल दी है। ये हमारे सिक गए हैं, इनको भी हम उन्हीं के साथ रख लेंगे जो हमने पहले प्लेट में निकाले थे। आप पराठे के साथ या डोसे के साथ भी गन पाउडर को खा सकते हैं। अब हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में खाली कर लेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप इमली के बीज जरूर निकाल लें, नहीं तो आपकी मिक्सी इससे खराब हो सकती है। बीज ना निकाल देंगे तो मिक्सी खराब भी हो सकती है और उसके दाने अगर पिस गए तो स्वाद को भी खराब कर देंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। देखिए हमारा ये गन पाउडर बन चुका है, इसको अब हम एक बाउल में खाली कर लेंगे। अगर आपको मिर्ची कम लगे तो आप इसमें और लाल मिर्ची ऐड कर सकते हैं। ये हमारा गन पाउडर तैयार हो चुका है। आप इसको एक एयरटाइट डिब्बे में भरकर रख दें, 6 महीने तक खराब नहीं होता। और आप इसको जब भी खाएं इसमें तेल या घी डालकर खाएं, इससे और ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हम आपको मूंगफली की चटनी बनाना सिखाएंगे। आप चाहें अप्पम को नारियल की चटनी से या सांभर से भी खा सकते हैं। हम आपको मूंगफली की चटनी बनाना सिखाएंगे, तो उसके लिए हमने 4 टेबल स्पून मूंगफली ली है, 5 लहसुन ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच इमली ली है, कुछ पिसा हुआ अदरक है, 2 टेबल स्पून चने की दाल है, 2 टेबल स्पून भुना हुआ चना है और 1 कटी हुई मिर्ची है। अब हम मूंगफली, भुना हुआ चना और
चने की दाल इन तीनों को रोस्ट कर लेंगे। हमने गैस चालू कर दिया है, इसको हम धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके हमको इसको जब तक रोस्ट करना है जब तक मूंगफली पकने न लगे और इसमें से खुशबू ना आने लगे। अप्पम साउथ इंडियन रेसिपी है, आप जब चाहें इसको 15 से 20 मिनट में सारे सभी कुछ तैयार हो जाता है। आप 15 से 20 मिनट में इसको नाश्ते के बतौर या लंच में खा सकते हैं आराम से। और ये मूंगफली चने और चने की दाल लगभग सिक चुकी है, इसको हम एक प्लेट में खाली कर लेंगे। खाली करके ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद इसको पीसेंगे। मूंगफली की चटनी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, आप हर बार हो सकता है नारियल की चटनी से खाएं, पर इस बार हमारे कहने से मूंगफली चटनी बनाएं और उससे खा के देखें। हम एक ग्राइंडर में सभी को डाल लेंगे। इसमें हम एक चम्मच इमली, एक कटी हुई मिर्ची, आधा किसा हुआ अदरक और लहसुन डाल देंगे। साथ में इसको हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसना है, ज्यादा पानी एकदम न डालें। हर किसी के घर में नारियल अवेलेबल नहीं होता है, पर लगभग मूंगफली सभी के घर में अवेलेबल होती है। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा पानी डालकर फिर पीसें। इमली के बीज आप निकाल लें, नहीं तो आपकी मिक्सी खराब हो सकती है। ये हमने पीस लिया है, इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे और डालकर दोबारा पीसेंगे। आप थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। हमारी ये मूंगफली की चटनी तैयार हो चुकी है, इसको हम किसी बाउल में खाली कर लेंगे। आप इसको ज्यादा पतला न करें, थोड़ा गाढ़ा ही रखें। चलिए अब हम फटाफट चटनी में तड़का लगा देते हैं। इसके लिए हमने ये एक टेबल स्पून हल्का पैन में तेल डाल दिया है, इसमें हम थोड़ी सी मस्टर्ड सीड डालेंगे, इसे हम राई भी कहते हैं। जैसे राई तड़कने लगे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसमें फटाफट कड़ी पत्ते डाल देंगे। हम इसको चटनी में डाल देंगे। ये तैयार है हमारी मूंगफली की चटनी। अब हम बनाएंगे अप्पम। अप्पम बनाने के लिए हमने ये 2 कटोरी सूजी लेंगे, 2 कटोरी सूजी में हम 1 कटोरी दही डाल देंगे, इसी में 1 कटोरी पानी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच ही नमक। 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब नमक डालकर इसको हम सबकी को मिक्स कर लेंगे ग्राइंडिंग जार में। देखिए हमारा बैटर पिस गया है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें फ्रूट साल्ट डालेंगे, इसको हम इनो भी कहते हैं। फ्रूट साल्ट डाल के इसको मिक्स कर लेंगे तुरंत। तुरंत मिक्स करके हम फटाफट अप्पम बनाना स्टार्ट कर लेंगे। देखिए इसके झाग बढ़िया बन रहे हैं। आप इसको फटाफट मिला दें, आप इनो को स्किप ना करें। को स्किप करने से आपकी जो अप्पम में जाली पड़नी चाहिए वो जाली आपकी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इनो जरूर डालें। ये हमने अप्पम प्रीहीट कर लिया है, इस तरह से डालते हैं। आप इसको ज्यादा फैलाएं नहीं। बिना तेल के ही बनते हैं। देखिए जैसे सीखता जाएगा इसमें जाली बढ़ती जाएगी, जितनी अच्छी जाली बढ़ेगी उतना ही अच्छा हमारा अप्पम बनेगा। सीखता जाएगा। जैसे सीखता जाएगा वैसे वैसे ये इस तरह का होता जाएगा। ये बीच में भी सीखा नहीं है, ये सीख गया है। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए
कितना अच्छा सीखा है। अब हम ऐसे ही दूसरा डाल देंगे। इसको आप एक ही तरफ से सेकें, दूसरी तरफ से ना सेकें। देखिए कितना अच्छा पंप सीखा है हमारा। मैं आपको देखिए कितना नरम बना है, तैयार है हमारे अपम। आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपको अपम कैसे लगे। अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल भी पूछ सकते हैं।